शासन के निर्देश पर जिले में सीरो सर्वे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जनपद में जून के पहले सप्ताह से स्वास्थ्य विभाग सीरो सर्वे यानी कोरोना की सर्विलांस टेस्टिंग शुरू करेगा, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। कोरोना की एंटीबॉडी जाँच के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के नमूने लिए जाएंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में इसकी जांच कर पता लगाएगा कि कितने फीसद लोगों में एंटीबॉडी बनी है। एंटीबॉडी बनने का मतलब है कि वे कोरोना संक्रमित हुए थे लेकिन लक्षण ना आने से पता नहीं चला। सीरो सर्वे में कोरोना संक्रमण से बचे और संक्रमित हुए परिवार के सदस्यों के नमूने लिए जाएंगे, साथ ही इस बार बच्चों के भी नमूने लिए जाएंगे, जिससे पता लग सकेगा कि उनके अंदर कोरोना से बचाव के लिए एंटीबॉडी बनी है या नहीं। सर्वे की निगरानी केजीएमयू की टीम लखनऊ से करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, जनपद में सीरो सर्वेलेंस सर्वे हम जून के फर्स्ट वीक से होने की संभावना है, उसमें किया जाएगा। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है, कुछ गांव सेलेक्ट किए गए हैं, उन गांवों में हमारी टीम जाएगी और गांव के पहले कुछ घर और लास्ट के कुछ घरों से सभी उम्र वर्ग के लोगों का सैंपल लिया जाएगा और वो सैंपल जो है शाम को कलेक्ट करके केजीएमसी भेजा जाएगा। तो इस तरह से सीरो सर्वे किया जाएगा, जिससे ये रिपोर्ट जनरेट की जाएगी कि पब्लिक में लोगों में कितनी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, और जिससे कि फर्दर ये वैक्सीनेशन की प्लानिंग की जा सके। बच्चों का भी टेस्ट लिया जाएगा? बच्चों को भी उसमें ग्रुप में शामिल किया जाएगा।